नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 15/30 में, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं खड़ी हैं। इनका आरोप है कि ये जो पाइपलाइन है 5 साल हो गए हैं यहां पर, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं हुई है। छतरपुर में हर वार्डों में पाइपलाइन चालू हो गई है, लेकिन वार्ड नंबर 15/30 में 5 साल से ये सड़क खुदी पड़ी है। लोगों के घरों में कनेक्शन हो गए हैं और पैसे भी जमा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। जब गर्मियों के मौसम में पानी की सुविधा नहीं है तो फिर कब मिलेगी? आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि कब से ये कितने दिन हो गए हैं इसको और अभी तक क्यों चालू नहीं हुई है। ये 5 साल हो गए हैं लाइन डले पाइप की, और पिछली बार पज्जन भैया चाचा जी यहाँ आए थे, उन्होंने समस्या पूछी थी कि आप लोगों की समस्या क्या है। तो समस्या बताई गई थी कि ये लाइट लाइन में चिपक गए थे, जो हाईवे लाइन है, तो उसका वादा कर गए थे कि ऊंची करा देंगे, बल्देगी तो नहीं ऊंची करा देंगे, और ये पाइप लाइन है ये भी चालू करा देंगे। और जब से वो जीते हुए हैं तो उधर आए नहीं है, ना पाइप लाइन चालू कराई है। हम लोगों के पति काम छोड़ छोड़ कर पानी भरने के लिए जाते हैं, तो काम मजूरी से भी मारे जाते हैं, गिर गए तो पैर भी टूट गए, तो पानी भी नहीं आ पा रहा पीने के लिए। और एक महिला ये है कि जो बिल्कुल अंधी है, इनके कोई नहीं है सहारे के लिए। इनको जिसने दे दिया एक डब्बा पानी, दो डब्बा पानी, तो यूज कर लेती है, नहीं तो ये पानी के बगैर बैठी रहती हैं। इनकी आंखें भी नहीं है कि ये कहीं जा सकती हैं। अच्छा, चुनाव के टाइम आए थे विधायक जी? हाँ, चुनाव के पहले आए थे, फिर एक बार चुनाव के बाद आए दोबारा समस्या पूछने के लिए, कि एक समस्या हल नहीं करी कि पानी चालू करवा दें या लाइट ऊंची करवा दें, तो ये समस्या हल नहीं करी, दोबारा फिर आ गए थे कि आप लोग समस्या बताइए। जब एक समस्या हल नहीं करी तो दूसरी समस्या क्या बताएं। तो जब से अभी तक कोई सुनाई नहीं है, ना लाइन चालू हुई है, और लाइट की लाइन तो ठीक है, ये वो ऊंची हुई नहीं है। अभी कहाँ से भरते हैं आप लोग पानी? अभी हम लोग बड़े तालाब सब पानी भरते हैं। कितना किलोमीटर होगा वो? कम से कम 1 किलोमीटर तो होगा, 1.5 किलो वहाँ से पानी ले आते। पहले आदमी थे सही सलामत, तो वो लाते थे काम छोड़ गए, अब वो गिर गए तो पेट टूट गया, तो अब हम लोग हैं 1 डब्बा 2 डब्बा लेके जाते हैं, तो ले आते हैं, थोड़ा सा पानी तरस आता है तो इनको दे देते हैं, जिस दिन नहीं भरा होता तो इनको नहीं देते हैं पानी। जे अन्नी नुन्नी इनका कोई नहीं है पानी भरने वाला, अब जे कहाँ जाए बिना आँखों की पानी भरने के लिए। शिकायत की 181 पे शिकायत की, सब पे कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ, 181 वाले कह रहे थे कार्रवाई चल रही हैगी, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। और ना अभी तक चाचा जी पलट कर आए हैं कि लाइट ऊंची ना करवाएं तो कम से कम पाइप लाइन तो चालू करवा दें, पानी तो दे दें कम से कम। लंगड़े हैं कहाँ जाए, हर हाँ किलू ले लंगड़े हैं सब, कहाँ जाए पानी भरन, को ना लड़का है ना आदमी है, को नहीं है, क्या करें, परेशान है। पानी तो हम और दब जाए, टैंकर आते थे गर्मियों में तो वो भी बंद है, वे भी बंद है। अब बहुत दूर से तो मुझसे मंगा ला भैया, घे घे आके भर दो भैया, इतना पैसा है पैसा से पानी खरीद है, इतने है नहीं है, 600 रुपये वही पेंशन मिला तो वही में खाते हैं, अब पानी को कहाँ से दें? क्या चाहती हो? चाहते लाइन चालू हो जाए। 70 साल की है, जे चाहते हैं कि भाई लाइट ऊंची लाइन ऊंची हो या ना हो, मगर पानी की लाइन चालू हो जाए, कम से कम खाना ना मिले ऐसी महंगाई में, खाना ना मिले ऐसी महंगाई में, तो कम से कम पानी पीकर तो आदमी जिंदा रह सकता है। खाना मिल जा, एक चोट मिल भी जाएगा तो पानी के बगैर वो खाना नहीं खाया जाता है। जब पानी होगा जब ही खाना अलग से नीचे उतरेगा, पानी की ज्यादा सख्त जरूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि लोग 2-2 किलोमीटर से दूर से पानी ला रहे हैं। चुनाव के टाइम पर यहाँ पर खुदाई और पाइपलाइन के कनेक्शन हो गए थे, लेकिन ये अभी भी सूनी पड़ी हुई हैं। जब गर्मियों के मौसम में इतनी दिक्कत है तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगी। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ताजवी है। कहाँ से भरती हो अभी पानी? हम तालाब से भरते हैं पानी, हैंडपंप से। या फिर कोई पड़ोस के घर का? नहीं, हम लोग ले आते हैं बाहर के,
पति की तबीयत नहीं रहती है सही तो वो जाते नहीं है, हाँपने लगते हैंगे, दो डिब्बे ले आए तो उसमें हाँपी आने लगती है तो बहुत दूर पड़ता है, सर पे ले आते हैं पानी। और पाँच साल चुनाव के टाइम पे वादे होते हैं तो पूरे नहीं होते हैं, चुनाव के टाइम पे कर जाते हैं वादे मगर वो पूरे नहीं हो रहे, पाँच साल हो गए ये पाइप लैंडर ही। तो चाचा जी आए थे, पज्जन चाचा आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो लाइन चालू हो जाएगी और अमरकंठ की लाइन भी ऊंची हो जाएगी, तो ना उसकी सुनाई हुई और ना जो पाइप चालू हुई है, पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो जो महंगाई से परेशान हैंगे हैं, अब गल्ला ठीक है मिल जाता है मगर रोटी रूखी थोड़ी खाएंगे, तो नमक से चटनी से रोटी देते हैं बच्चों को। और पानी सबसे ज़्यादा है, पानी की परेशानी, जिले चालू होना चाहिए पानी की। किस तरह की सुविधा हो जाएगी अगर लाइन चालू हो जाएगी? बहुत सुविधा हो जाएगी, पानी की परेशानी दूर तो हो जाएगी, कम से कम पानी मिलने लगेगा। तो पानी की बहुत दिक्कत हैगी, हम तो और अकेले हैं, हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं, काम छोड़ छोड़ कर पानी भरो के खाना खाएंगे तो पानी तो चाहिए, पानी बगैर थोड़ी रोटी खाएंगे, पानी की बड़ी दिक्कत हैगी। हमारे आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम अकेले कहाँ तक दूर दूर से पानी भरे, गर्मियों में रोजी भी चल रहे, रोजी भी चल रहे हैंगे गर्मियों में, का हम पानी दूर दूर से थोड़ी भरेंगे, ये पाइप लाइन आ नहीं रहे, पाँच छह साल हो गई है पाइप लाइन का, बड़ी दिक्कत है इधर पहाड़िया पे, इधर कोई सुनाई नहीं है। 181 बार हाँ इधर, लेकिन नल यहाँ रहा है, कोई सुविधा नहीं है इधर, इस साल गर्मियों में हो जाएगी, हो जाएगी लेकिन पाइप लाइन चालू ही नहीं है, रोजे से भी रहो, धूप में पानी भी, धूप में पानी भी भरो, बड़ी दिक्कत है खाता, इतना तो आप जानते होगे खुद कि रोजे से रहो कितनी मुश्किल रहती है धूप में निकलना। कहाँ जा रही है आप पानी भरने? पानी भरने उधर जा रहे हैं चक्कर पे, ऐसी ऐसी एक ही गुंडी पानी, हाँ का करे, कौन गाड़ी है का साइकिल है कोई चीज हैगी, अब पैदल जाना है, पैदल मुड़ पे रख के ले आना है, बहुत दिक्कत है, नल लगे हैंगे हेडपम्पों में, पानी भी नहीं आ रहा हैगा, वो क्या कहते हैं नल भी नहीं आ रहे हैंगे, और दूर से ले आना हैगा, दूर से ले आना है हमें पानी, किलोमीटर से लाती हूँ, 5-6 मीटर दूर से ले आते, कोई सुविधा नहीं है पानी, कोई सुविधा नहीं है, कि परेशान हो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें छोड़ के जाती दूर दूर लेने। क्या चाहती हो अभी? हम लोग ये चाहते हैं पानी लेन चालू हो जाएगा, किस तरह की सुविधा हो जाएगी, का है बस जाएगा पानी भरने न जाने पड़ेगा, घर घर मिल जाएगा, अभी आधी लेन डली नहीं है जो हम लोग की लेने की उस तरफ को, जो पाइप भी नहीं डाले और पानी भी नहीं है। अच्छा जब ये पाइप लाइन लगी थी तो कितने कितने पैसे लगे थे तुम लोगों? पैसे नहीं लगे थे हम, 100-100 रुपए कह रहे थे, तो भैया हम लोग गरीब आदमी है तो कहाँ से दें, और जिनके पास थे तो उनकी सटके डाल गए हैंगे, जिनने दिए हैं 100-100 रुपए, अभी हम लोग की लेन चालू ही नहीं है, ना सटके डाली है ना कुछ है, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है तो हम लोग कहाँ से पैसा दे दें। तो देखा आपने, विधायक जी जगह जगह जाकर चौपाल लगाते हैं और जगह जगह की समस्या सुनते हैं, लेकिन छतरपुर जिले का एक ऐसा बाढ़ जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग अपना हर काम छोड़कर 2-2 किलोमीटर से पानी लाते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं, क्या सरकार इस मोहल्ले के लिए बिल्कुल भी नहीं देखेगी? देखना ये है कि कब तक यहाँ की ये पाइपलाइन आती है और कब इन लोगों को ये सुविधा मिलेगी। देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।